सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत जिले के गांव मुरथल में रहने वाली एक साधारण से परिवार में जन्मी निधि ने लगातार संघर्ष करते हुए यूपीएससी परीक्षा में देश भर में 286वां रैंक प्राप्त करके सोनीपत जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस कामयाबी पर परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र में खुशी देखने को मिली। बेटी की इस उपलब्धि पर उनके घर पर बधाई देने वाले ग्रामीणों का तांता लगा रहा और सभी ने बेटी को फूलों के बुके देने के अतिरिक्त उनका और उनके परिजनों का मिठाइयां खिलाकर भी खुशियों का इजहार किया। होनहार निधि ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से यूजी और पीजी कोर्स पूरा करने वाली निधि ने यूपीएससी की परीक्षा में अपने तीसरे प्रयास में पास की है। इसके लिए निधि ने हर रोज 8 से 12 घंटे तक पढ़ाई की और भविष्य में उसे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो देश सेवा के रूप में पूर्ण करती रहेंगी। होनहार बेटी निधि के परिजन अब बेहद खुश हैं क्योंकि बेटी ने प्रशासनिक अधिकारी बनने के सपने को पूरा करके दिखाया है। निधि की मां और पिता बताते हैं कि बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा अपने तीसरे प्रयास में पास की है। इसके लिए निधि ने हर रोज 8 से 12 घंटे तक पढ़ाई की। अब वो बेहद खुश हैं और उनके घर पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। खुशी इस बात की है कि बेटी ने गांव मुरथल का नाम रोशन किया है और अब वो देश की बेटी बनकर देश सेवा का कार्य करेंगी। गौरतलब है कि सोनीपत जिले के गांव मुरथल के इतिहास में पहली बार होनहार बेटी निधि ने यूपीएससी में 286वां रैंक प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। अब ग्रामीण इस उपलब्धि पर एक बड़ा कार्यक्रम करके उसे सम्मानित करने की योजना बना रहे हैं ताकि गांव में और बेटियों को भी प्रेरणा मिल सके। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। पूरा परिवार, पूरा गांव, सब हम लोग खुश हैं। हमारे यार दोस्त, सभी फैमिली, बड़े रिश्तेदार सभी खुश हैं और बेटी ने हमारा मान बढ़ाया। कितना संघर्ष करते हैं? बहुत, पिछले 3 साल से मेहनत कर रही थी और ये तीसरा अटैम्प्ट था। पीछे भी रह गई थी तो मोरल डाउन होता है एक आध बार, तो हम मियाँ बीबी ने मिल के और भाई बंधुओं ने मिल के अपना इसका मोरल डाउन नहीं होने दिया हम लोगों ने, और इसने फिर दोबारा लगन से अगली बार अच्छी मेहनत की और अब ये उपलब्धि मिली है। सर, मेरा नाम निधि है और मैंने यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में 286वां रैंक हासिल किया है। और जो मेरी जर्नी रही है कि लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन उसमें मैं कामयाब नहीं हो पाई थी और इस बार मैंने सफलता हासिल की है। और इसमें पेरेंट्स का जो सपोर्ट है सर, वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, मेरे मदर और फादर का और मेरे भाई का, 2 छोटे भाई हैं मुझसे, तो उन सभी ने मिलके इस पूरी जर्नी में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है। क्योंकि एग्ज़ाम का प्रोसेस काफ़ी लंबा है और उस दौरान में जो आपको मोटिवेशन चाहिए होती है वो आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली आपको देती है। सर, आगे क्या इरादा? सर, आगे जो मेरा इरादा है कि देश की सेवा की जाए और जो भी मेरे को सर्विसेज अलॉट होंगी मैं उसमें अपना 100% दूँ। सर,